देखिए, इस तरह के जितने भी प्रतियोगी हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, उन सब के लिए सबसे पहले तो मैं ज़रूरी बताऊंगा कि फोकस बहुत ज़रूरी है। अक्सर मैं देखता हूं कि बच्चे किसी एक ध्येय को लेके कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। वो एक दिन एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, दूसरे दिन किसी और की, तीसरे दिन किसी और की, किताबें कभी एक खरीदते हैं, फिर अगले ही दिन दूसरी खरीद लाते हैं, तीसरे दिन चौथी खरीद लाते हैं। तो कोई भी एक चीज़ तय करके उसके साथ परसिस्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप सब लोगों से, जितने भी लोग इस तरह के एग्ज़ाम्स देने में लगे हुए हैं, उनसे यही अनुरोध है कि तय कर लें कि हमें ये परीक्षा देनी है, ये परीक्षाएं देनी हैं, और उसके लिए कुछ ढंग की किताबें वो एक तय कर लें, उसको ढंग से पढ़ें, किसी एक सिलेबस को लेकर उसको पूरा प्रॉपरली पढ़ें। 10 तरह की किताबें, 10 तरह के एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम का अलग अलग सिलेबस, अगर उसमें कंफ्यूज रहेंगे तब जो है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना मुश्किल होता है। और वन बाय वन जाएं, लाइफ में ये है कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने पे स्टेप्स जो हैं आसान होते हैं। सीधा अगर हम कोशिश करेंगे कि छलांग मार के हम सबसे बड़ा एग्ज़ाम ही क्लियर करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग जाएँ तो बहुत आसान हो जाता है, और कॉन्फिडेंस भी आता जाता है। जब इनिशियली कोई 10th या ग्रेजुएशन कर रहा होता है तो उसे ये नहीं पता होता है कि नेशनल लेवल पे वो कहाँ लाई कर रहा है। तो अगर उसने ग्रुप बी एग्ज़ाम कोई पास किया है, फिर बैंक PO वाला एग्ज़ाम पास किया है, उसके बाद जो है वो PCS एग्ज़ाम के लिए जाए, उसके बाद UPSC सिविल सर्विसेज के लिए जाए, तो उस तरीके से उसको ग्रेडेशन के साथ जाएगा तो उसे आइडिया रहता है। और एक बार में एक चीज़ को ही लेके वो चले, एक ही बार में वो सिविल सर्विसेज के लिए भी पढ़ रहा है, SSC के लिए भी पढ़ रहा है, बैंकिंग के लिए भी पढ़ रहा है, एयरफोर्स के लिए भी पढ़ रहा है, आर्मी के लिए भी पढ़ रहा है, सब चीज़ के लिए वो एक ही साथ पढ़ रहा है, उसमें कन्फ्यूज़न होता है। तो एक बार में एक ध्येय को लेके चले, उसको कंप्लीट करके फिर अगले ध्येय के लिए जो है वो शुरुआत करें। तो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें। आज की डेट में मुझे लगता है डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मोबाइल फ़ोन जो है वो एक बहुत अच्छा नॉलेज का सोर्स है, लेकिन एक डिस्ट्रैक्शन का भी बहुत बड़ा सोर्स है। तो सबको, जो लोग डिसिप्लिन के साथ नहीं रह सकते, उन लोगों के लिए बड़ी दिक्कतें हैं। मैंने देखा है लोगों को कि वो शुरू करते हैं कि मोबाइल फ़ोन से कुछ जानकारी प्राप्त करें, फिर वो जाते हैं यूट्यूब पे वीडियोस देखना शुरू करते हैं, फिर देखते देखते घंटों घंटों वीडियोस देखते चले जाते हैं, फेसबुक पे घंटों घंटों वीडियोस देखते रहते हैं लोग। तो उस तरीके से अगर डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे तो फिर ना तो पढ़ाई ढंग से हो पाती है, ना ही नॉलेज जो जिस तरीके से गेन होना चाहिए वो हो पाता है। तो फिर से मैं वही कहूँगा कि फोकस और परसिस्टेंस ये बहुत ज़रूरी होगा। सब लोग जो कोई भी तैयारी कर रहे हैं, ध्यान लगाकर पढ़ें, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें। टाइम मैनेजमेंट का सर क्या रोल रहता है? वही, अगेन, फोकस अगर रहेगा तो जैसे मैं अपनी बताऊं तो जब मैं तैयारी करता था तो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, GS होता है, उस समय 2 ऑप्शनल्स होते थे, अलग अलग चीज़ें पढ़नी होती थी, ऐसे के लिए तैयारी होनी होती थी। तो सबके लिए हम टाइम डिवाइड कर दिया कर देते थे कि सुबह में अगर हम GS का पार्ट पढ़ रहे हैं तो लंच के आसपास जो है वो ऑप्शनल फर्स्ट पढ़ लिया, और शाम को ऑप्शनल सेकेंड पढ़ लिया। तो सबका समय डिवाइडेड होता था, सबके, हमें पता होता था कि सुबह में ये सिलेबस इतना भर हमें कंप्लीट करना है, लंच के टाइम इतना मुझे कंप्लीट करना, रात को इतना मुझे कंप्लीट करना। तो पर डे मुझे अपना टारगेट पता होता था पहले से ही, और अगर वो कंप्लीट नहीं होता था तो भले ही रात के 3 बज जाएँ या 4 बज जाएँ, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता था तब तक हम वो पढ़ाई कर रहे होते थे। तो सब लोग अपना तय कर लें कि पर डे मुझे क्या करना है, अपना टारगेट सेट कर लें, और उसके हिसाब से पढ़ें तो बहुत आसान भी हो जाता है, और टाइम भी सही तरीके से मैनेज होता है, फिर डिस्ट्रैक्शन भी मिनिमाइज होते हैं।